बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाक भारत टाकरा इस मरतबा टीम इंडिया रही है कामयाब। नेल बाइटिंग मुकाबले में शानदार और एक तारीखी विक्ट्री हासिल करने में कामयाब हुई है टीम इंडिया। क्या ही शानदार और लाजवाब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया विराट कोहली ने। एक मरतबा फिर ये चीज़ साबित ज़रूर कर दी है कि वो वाकई ही एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज ज़रूर है। लेकिन इसके साथ साथ टीम पाकिस्तान को यहाँ पर कौन कौन सी खामियाँ हैं जिससे अभी तक पाकिस्तान टीम छुटकारा हासिल करने में नाकाम हो रही है। और मुसलसल तीसरी से चौथी मरतबा एक बड़ा मैच जो कि शुरू में हम अच्छा खेल के एंड पर आकर उस पर फोकस रखने में हो जाते हैं नाकाम, क्या वजह है? जी हाँ, मेन रीज़न जो कि अभी तक सामने आ रही है वो मेन पॉइंट ये है कि लीडरशिप का जो है वो फुकदान नज़र आ रहा है ऑन द फील्ड। जब आप ऑन द फील्ड इन द ग्राउंड एक इस तरह का बड़ा मुकाबला खेल रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो टीम को लड़वाने वाला होता है कैप्टन। लेकिन कैप्टन की जानिब से जो है वो हमें वो चीज़ अभी तक देखने को नज़र नहीं आ रही। चाहे T20 एशिया कप का फाइनल मुकाबला हो श्रीलंका के खिलाफ, शुरू में हमने विकटें हासिल की लेकिन एंड पर आकर डेप्थ में हम बॉलिंग करना भूल जाते हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2021 का सेम सिचुएशन, डेप्थ ओवर में आकर बॉलिंग करना हम जो है वो भूल जाते हैं। आज भी वही चीज़ हुई, 31 रन पे चार खिलाड़ी आउट, लेकिन उसके बाद मुसलसल 4 से 5 ओवर्स स्पिनर्स के किए गए। उसके बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो कि 10 ओवर के बाद दिया गया, वहाँ पर हर टीम जो है वो प्लेन तरतीब देती है, तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए था कि जब ब्रेक के बाद टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए आ रही है तो कभी इम्कान इस चीज़ के मौजूद थे कि वो यकीनी तौर पर अटैक पर जाएंगे। और अटैक पर भी इस तरह जब दो जो है वो आउट क्लास किस्म के बल्लेबाज विकेट पर मौजूद हूँ और उन्होंने आपके उन्हीं दो स्पिनर बॉलर्स के जो है वो 5 ओवर खेल रखे हों, उनका हाथ पढ़ रहे हों, उनकी लेंथ को रीड कर रहे हों, तो उनके खिलाफ जब वो अटैक पे जाएंगे तो आसानी हो सकती थी। लेकिन वहाँ पर ओवर नंबर 11 जो है वो उसमें एक बदलाव ज़रूर लाना चाहिए था, उनका रिदम जो है वो उसे तोड़ना ज़रूर चाहिए था। माइंड ब्लोइंग गेम वहाँ हमें करनी चाहिए थी, उनके माइंड के साथ हम फाइट वहाँ पर नहीं कर सके। वहाँ पर फास्ट बॉलर से एक ओवर हम करवा सकते थे शाहीन या फिर नसीम शाह से, लेकिन हमने नवाज़ को ओवर दिया जो कि उसका तीसरा ओवर था वहाँ पर, और तैयार थे वहाँ पर हार्दिक पांड्या अटैक करने के लिए, तो बिलाशुबा वो अटैक पर गए और उसमें कामयाबी उन्हें ज़रूर मिली। लेकिन एक गलती वहाँ पर हुई, फिर उसके बाद डेप्थ ओवर में हमें बॉलिंग जो है वो करवाना हम भूल रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो आपके बॉलर्स को मोटिवेट करता है ऑन द फील्ड जो टीम कैप्टन होता है, बॉलर्स में जज्बा लाना, बॉलर को जो है वो वक्ती तौर पर एक एक बॉल के बाद उसको मुतवज्जे करना कि आपने कौन सी गेंद करनी है। एक मरतबा फिर यही हुआ कि लास्ट 6 ओवर में हमारा एक भी यॉर्कर नहीं था, एक भी आउटसाइड द आउट स्टंप फुल लेंथ गेंद नहीं पड़ी। सेकंड लास्ट ओवर की सेकंड लास्ट गेंद विराट कोहली ने जो है वो लाजवाब 6 लगाया हारिस रो के खिलाफ, नो डाउट बहुत ही अच्छी शॉट थी। लेकिन उसके बाद कैप्टन को जाना चाहिए था बॉलर के पास, क्योंकि बॉलर जो है वो उस वक्त अभी तक हमारे पास उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, तो डेफिनेटली बॉलर जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड हो चुके थे, तो वहाँ पर एक ओवर लेंथ गेंद करवानी चाहिए थी जो कि लास्ट गेंद थी सेकंड लास्ट ओवर की। लेकिन वही गलती की गई, मिडल में आए और बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, बाउंस ना मिलने की वजह से विराट कोहली के जो है वो उसे फेवरेट जोन में वो गेंद मिली और उठाकर खेल दिया उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की जानिब 6 रन के लिए। वहाँ पर मेजर गलती हुई, सिर्फ वो एक गेंद जो है वो अगर हारिस रऊफ वहाँ से बचा लेते तो यकीनी तौर पर रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन पार्ट ऑफ गेम है, हार जीत होती रहती है, लेकिन गलतियों से हमें सीखना चाहिए जो कि हम मुसलसल नहीं सीख रहे। चौथा मैच हम इसी तरह हार रहे हैं, डेप्थ ओवर में हम बॉलिंग करना भूल रहे हैं, एक भी यॉर्कर जो है वो हमारी तरफ से नहीं डाला गया। लेकिन हर गेम का हिस्सा है, इंडिया ने बहुत ही अच्छा खेला, पाकिस्तान ने लाजवाब खेल का मुजाहरा किया, खिलाड़ियों की जानिब से अच्छा खेल पेश किया गया। लेकिन जहां पर हम आकर गेम लूज़ की है वो थी हमारी गेम प्लानिंग, मास्टरमाइंड गेम, वहां पर टीम इंडिया बढ़तरी हासिल कर गई।